पिछले कई दिनों से जिले की आशा और उषा कार्यकर्ताएं अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। हड़ताल के दौरान जहां आशा कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों यज्ञ हवन किया था, तो वहीं अब धरना स्थल पर थाली और चम्मच बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया है। देखिए यह रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 10 साल पहले जितनी महंगाई थी उससे अब कई गुना बढ़ गई है, लेकिन हमारा वेतन वहीं के वहीं है। इसके अलावा भी कई अन्य मांगे सरकार के सामने रखी गई। हमारी 7 मांगे हैं सरकार से, उन मांगों को लेकर हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ पे कार्यरत हैं, क्या काम कार्य करती हैं आप? आशा सहयोग में ब्लॉक की पंचायत से सब सेंटर रिसीव हो रहा है। क्या मांगे हैं आपके? हमारी मांग है कि सरकार जो इतनी महंगाई बढ़ा रही है, पेट्रोल का इतना दाम बढ़ा दिए, तेल दाल शक्कर हर चीज़ महंगी हो गई है, डबल रेट लगा हो गया। आज से 10 साल पहले हमारा जो वेतन था वही आज है, उसमें हमारा पेट्रोल भी नहीं निकल रहा। तो सरकार से सिर्फ विनती है हमारी कि हमारा वेतन इतना कर दिया जाए ताकि हम अपना घर अच्छे से चला सकें। आज यहाँ क्या प्रोग्राम रखा गया था? आज हमने जैसे कोरोना काल में मोदी जी ने थाली चम्मच भजवा के कोरोना को भगाने के लिए प्लान किया था, उसी तरह हम भी थाली चम्मच और शंखनाद करके मोदी जी को, मतलब हमारी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे, ताकि सरकार हमारी तकलीफ़ों को देखे और उनको समझ में आए कि हम किन दर्द से गुजर रहे हैं, कितनी पीड़ाओं के से गुजर के हम काम कर रहे हैं, तो हमें उतना वेतन दे ताकि हम घर को सुचारू रूप से चला सकें। बहरहाल अब देखने वाली बात तो होगी कि आखिर कब तक सरकार आशा कार्यकर्ताओं की मांगे मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, विदिशा।